हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सुमेशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा विंडोज सर्वर 2019 की इंस्टॉलेशन है। आज हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, तो आइए इसके स्टेप्स देखते हैं। मैं इसकी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर। मैंने अपना ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन किया, नई मशीन बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। इस जगह विंडोज, जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देना उसे नाम दें। टाइप विंडोज माइक्रोसॉफ्ट और वर्जन में आपने सर्वर 2016 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2019 इसकी लिस्ट में अवेलेबल तो नहीं है, तो 2016 इसके लिए ओके है। नेक्स्ट, 4GB रैम देनी है इसे। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क का साइज इसे 50GB आपने रखना जो डिफॉल्ट में है, और इसका अगर ये वर्चुअल डिस्क इमेज आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव करवाना चाह रहे हैं, जिसका ये पाथ आपको नज़र आ रहा है, अगर क्रिएट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पे सेव करवा देगा। और इस ब्राउज के बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये इमेज इस डिफ़ॉल्ट पे सेव नहीं होगा, बल्कि उस ड्राइव में सेव होगा जिसे आप जिस ड्राइव में इसे सेव करवाना चाहेंगे। तो मैं इसे फ़िलहाल दूसरी ड्राइव में सेव करवाना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। मैंने इस फोल्डर में इसे सेव करवा दिया और क्रिएट। अब इस मशीन पर मैं राइट क्लिक करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, स्टोरेज, ISO इमेज दूंगा इसे विंडोज सर्वर 2019 का। यहां से ISO सेलेक्ट करूंगा मैं, ओपन। नेटवर्क में मैंने इसे एक अडॉप्टर लगाया नेट पे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे, ओके, और इसे स्टार्ट करूंगा। विंडोज सर्वर 2019, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। इंस्टॉलेशन की स्क्रीन आ चुकी है, सेटअप की मैंने नेक्स्ट किया। यहां पर इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। यहाँ पर तीन किस्म की टाइप्स हैं, डेटा सेंटर, स्टैंडर्ड, और एक डेटा सेंटर है ये KMS है, ये एक्टिवेटेड होता है क्रैक वर्जन में, लेकिन ये डेटा सेंटर मैं स्टैंडर्ड वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कोर वाला आपने नहीं करना, कोर वाला वो CLI बेस होता है, कमांड लाइन में होता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और डेटा सेंटर स्टैंडर्ड है ये GUI बेस है, ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना, नेक्स्ट। इधर व्हाट टाइप, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, पहली है अपग्रेड और दूसरी कस्टम। अगर अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम को तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन को चूज करेंगे, तो अगर आपने नई इंस्टॉलेशन है फ्रेश तो आपने कस्टम पर क्लिक करना है, आपकी हार्ड ड्राइव शो होगी जो आपने लगाई हुई है। अगर आपने इसकी पार्टीशन बनानी है तो ये न्यू पर क्लिक करें, इधर इसको साइज दीजिए और अप्लाई करें, आपकी पार्टीशन बन जाएगी। लेकिन मैंने अभी पार्टीशन नहीं क्रिएट करना, इसे कैंसिल करवा रहा हूँ और इसे एज इट इज़
नेक्स्ट करूंगा इंस्टॉलेशन के लिए। विंडोज सर्वर हमारा इंस्टॉल हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, तो टाइम सेविंग के लिए मैं अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जैसे ही ये इंस्टॉल कंप्लीट होती है तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये रीस्टार्ट होगा। इधर हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड देंगे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे जो कि लोअर एंड अपर केस और डिजिट्स में होगा। तो मैं पासवर्ड सेट करता हूँ। फिनिश पे क्लिक करूंगा। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है सर्वर की, तो ये हमें कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस करने का कह रहा है, तो हम इस स्क्रीन को अनलॉक करेंगे। तो इधर इनपुट पे हमने जाना है, कीबोर्ड पे क्लिक करना है और ये फर्स्ट पे आप देखेंगे इंसर्ट कंट्रोल ऑल डिलीट, तो इसे आप प्रेस करें। अब एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहे हैं जो हमने सेट किया था, वो इधर देंगे। हमारा विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन कर चुका है। ये सामने डैशबोर्ड आ गया, इसे मैं मैक्सिमाइज करूँ, ये आपके सामने डैशबोर्ड शो कर रहा है। और ये लोकल सर्वर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्वर की इंफॉर्मेशन शो करेगा, कंप्यूटर नेम है, वर्क ग्रुप है, विंडोज डिफेंडर की, फायरवॉल की और रिमोट मैनेजमेंट की सारी, और NIC की, नेटवर्क कार्ड की सारी प्रॉपर्टीज इधर शो करेगा, सिस्टम के रैम की और टोटल डिस्क स्पेस भी इधर बताएगा आपको। ऑल सर्वर पे क्लिक करेंगे, इधर आपको सर्विसेज जो होंगी, ऑल सर्वर पे क्लिक करेंगे तो इधर हमारी सर्विस नेम है, IPv4 एड्रेसेस है, आगे इसकी तमाम डिटेल शो करेगा, नीचे इवेंट्स है, इसके लॉग शो करेगा और फाइल एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज हैं। यहाँ पर भी इसकी सर्वर की मजीद इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वॉल्यूम्स है और ये वॉल्यूम डिस्क एंड स्टोरेज पूल, और भी बहुत कुछ है। और मैनेज पे क्लिक करेंगे, इधर आप रोल्स एंड फीचर्स ऐड करवा सकते हैं, रोल फीचर्स को रिमूव करवा सकते हैं, ऐड सर्विसेज है, क्रिएट सर्वर ग्रुप्स है एंड मैनी मोर टूल्स हैं। इसमें पावर शेल, कंपोनेंट सर्विसेज हैं, डिस्क क्लीनअप है, इवेंट व्यूअर है और माइक्रोसॉफ्ट अयोर सर्विसेज हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर है, आगे व्यू है, उसके अंदर हेल्प है और बाकी आपके सामने सारा कुछ।
और इसके पर्सनल लाइफ में जाकर थीम एंड डेस्कटॉप आइकॉन, या आइकॉन अभी कोई बाहर माय कंप्यूटर का तो नहीं है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे डेस्कटॉप पे। और क्लॉज प्रॉपर्टीज में गए और ये हमारा 2019 डेटा सेंटर सर्वर रेडी है। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने विंडोज सर्वर 2019 की इंस्टॉलेशन देखी, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड से लाजमी शेयर किया करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।